सो हेलो, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो हमारा चैप्टर चल रहा था जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी, उसका ये लेक्चर नंबर 2 है। ओके, लेक्चर नंबर 2। हमारा लेक्चर नंबर जो 1 है वो कल हमने कर दिया था कंप्लीट, और हम आज लेक्चर नंबर 2 सीखने वाले हैं वर्क एंड एनर्जी का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आज का हमारा टॉपिक है उसका नाम है पॉजिटिव नेगेटिव एंड ज़ीरो वर्क। ओके, तो हम पॉजिटिव नेगेटिव एंड ज़ीरो वर्क के बारे में हम जानने वाले। ठीक है, तो क्या होता है पॉजिटिव और नेगेटिव एंड ज़ीरो वर्क। ओके, सो देखते, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम पॉजिटिव वर्क के साथ। ठीक है, कि पॉजिटिव वर्क होता क्या है, पॉजिटिव वर्क होता क्या। तो देखो, पॉजिटिव वर्क मतलब मैंने कल के क्लास में बताया था कि पॉजिटिव वर्क मतलब अगर मान लो कि एक हमारे पास बॉक्स है। ओके, बॉक्स या फिर एक वुडन ब्लॉक है। ओके, एक वुडन ब्लॉक है। अच्छा, कलर कर लेते पहले। एक वुडन ब्लॉक है मान लो। ओके, तो इसको अगर हमने राइट साइड पे अगर फोर्स लगाया, ठीक है, और ये भी क्या हो गया, राइट साइड पे ही ये मूवमेंट करने लग गया। ठीक है, मूवमेंट करने लग गया, मूव करने लग गया, तो मतलब हमारा क्या हो गया, जो मूवमेंट का या फिर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है और जो फोर्स की डायरेक्शन है वो अगर सेम हो जाए, ठीक है, वो अगर सेम हो जाए तो वो हम पॉजिटिव वर्क कहेंगे। ठीक है, पॉजिटिव वर्क क्या हो जाए, जब ये सेम हो जाए, ये सेम होना चाहिए डायरेक्शन, मतलब कि जो थीटा रहेगा वो 0 डिग्री रहेगा, किसके बीच में, फोर्स के बीच में और मूवमेंट के भी बीच में। ठीक है, मूवमेंट और फोर्स के बीच में जब थीटा 0 रहेगा, मतलब देखो अगर ये एक ही लाइन में हो, जैसे कि अगर हमने बात की कि ये फोर्स है, ठीक है, और ये क्या है, ये हमारा मूवमेंट है या फिर डिस्प्लेसमेंट है, तो वो एक ही पैरेलल में, ठीक है, एक ही लाइन पे है, तो एक ही लाइन में होने के बाद जो एंगल रहेगा उनके बीच में वो 0 डिग्री रहेगा। ये थीटा से कंफ्यूज मत होना कि थीटा क्या है, हम एंगल को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अगर एक ही लाइन में हो, दोनों एक ही लाइन में हो, तो ये क्या होगा, थीटा 0 डिग्री होगा। तो जब थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री रहेगा तब क्या होगा, वो पॉजिटिव वर्क होगा। बस इतनी सी बात आपको याद रखना है कि अगर थीटा 0 हो एंगल और डिस्प्लेसमेंट के बीच में तो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। अब नेक्स्ट केस देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट केस देखते हैं, इसी डब्बे को कॉपी कर लेते हैं, इसी डब्बे को कॉपी कर लेते हैं। ओके, इसे नीचे लाते हैं, आ जा। ओके, अब ये देखो, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि ये बॉक्स है, अब पहले क्या था, हमारी डायरेक्शन फोर्स की इसी साइड थी और डिस्प्लेसमेंट भी इसी साइड था। ओके, बट अब मान लो कि ये जो बॉक्स है वो ऑलरेडी इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, पहले से किसी ने ऐसे फेंक दिया था उसे, तो उसी डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, राइट साइड में ये स्लाइड कर रहा है। यहाँ पे एक चक्के लगा देते तो वो राइट साइड में क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। ओके, तो अगर यहाँ पे स्लाइड करते समय आपने क्या किया, इस पर पुश कर दिया। ठीक है, आप ऐसे यहाँ पे आ गए और आपने इसे क्या कर दिया, पुश करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, पुश करना स्टार्ट कर दिया, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे आपका जो वर्क होगा, वर्क वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब ये वेक्टर से आपको अच्छे से समझेंगा जब आप कहाँ पे जाओगे, जब आप 11th स्टैंडर्ड में जाओगे तो अच्छे से समझेंगा, बट अभी आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा आपको जानना है कि क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या, आपने क्या सीखा कि अगर
मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है, मतलब एक डायरेक्शन में हो रही है, और डिस्प्लेस सॉरी मूवमेंट एक डायरेक्शन में हो रही है और फोर्स एक डायरेक्शन में हो रही है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है, तो जो वर्क होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। वर्क क्या होता है, निगेटिव होता है। अब ये आप थीटा से भी समझ सकते हो। देखो जो मूवमेंट है वो इस साइड में है और जो थीटा है सॉरी फोर्स है वो इस साइड में, तो इनके बीच में एंगल कितना है, ये एंगल कितना है 180 डिग्री। ओके ये एंगल कितना है 180 डिग्री। तो मतलब जब 180 डिग्री रहेगा, ठीक है 180 डिग्री रहेगा, तब जो हमारा वर्क होगा, वर्क वर्क वो क्या हो जाएगा, निगेटिव। ठीक है वो क्या हो जाएगा, निगेटिव। कब, जब थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री रहेगा। ठीक है तो हमने पॉजिटिव और निगेटिव का देख लिया। अब हम 0 डिग्री का देखते हैं, 0 वर्क का देखते हैं कि 0 वर्क कब होता है, कि कब हम बोलेंगे कि वर्क ही नहीं हुआ। तो उसकी भी एक केस है, ठीक है उसको भी हम थीटा से जान सकते हैं। एक सेकेंड फिर से मैं बॉक्स बना देता हूँ। ठीक है ये बॉक्स बना दिया। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ये जो आपने जो फोर्स लगाई ये अभी रेस्ट में, ठीक है ये अभी कंडीशन क्या है इसकी, रेस्ट की है। ठीक है कंडीशन इसकी रेस्ट है। अब आपने क्या किया, ऊपर से इसे फोर्स लगा, तो आपकी जो एंगल है वो कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। मान लो कि आपका जो डब्बा है वो रेस्ट में है और फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा, तो ये जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है, या फिर ऊपर लग रहा है, तो ऊपर लगने की वजह से, या फिर अगर कुछ ऐसे भी हो जाए कि एक ऑब्जेक्ट इस तरफ में जा रहा है, ओके इस तरफ में जा रहा है बट फोर्स आप ऊपर के डायरेक्शन में लगा रहे हो, तो ये जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की, या फिर मूवमेंट या फिर डिस्प्लेसमेंट बोलो, ठीक है डिस्प्लेसमेंट की और फोर्स की डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके परपेंडिकुलर आपको पता होगा, परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री बनाता है। ओके अगर परपेंडिकुलर है किसकी डायरेक्शन, मूवमेंट की और फोर्स की अगर डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, मतलब थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। ये देखो यहाँ पे 90 डिग्री है, मतलब मूवमेंट इस डायरेक्शन में लग रही है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, तो थीटा कितना है, 90 डिग्री। तो आपको पता चल गया होगा अभी तक कि जो वर्क होगा वो 0 होगा। वर्क क्या होगा, 0, वर्क हमारा 0 होगा। तो आपको तीनों कंडीशन समझ गए होंगे। अब हम समरी देख लेते, समरी देख लेते। फर्स्ट अगर थीटा हमारा 0 डिग्री हुआ तो वर्क क्या होता है, पॉजिटिव। थीटा अगर 0, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी इसी साइड हो रही है और जो हमारा फोर्स है वो भी उसी साइड लग रहा है, तो वर्क क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है वर्क क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते सेकंड कि अगर थीटा हमारा 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री, तो जो हमारा वर्क होगा वो होगा निगेटिव। ओके और थर्ड नंबर में था कि अगर हमारा थीटा ये हो गया 90 डिग्री, तो वर्क क्या हो जाएगा, 0। वर्क क्या हो जाएगा, 0। तो ये आपको याद में रखना है, यही समरी है हमारी कि थीटा अगर 0 हुआ तो वर्क हमारा पॉजिटिव, थीटा अगर 180 डिग्री हुआ तो वर्क निगेटिव, और थीटा अगर 90 डिग्री हुआ तो वर्क 0 हो जाएगा। तो ये आपका पॉजिटिव निगेटिव और 0 का वहाँ पे कंडीशन है। आपको बुक में एक ऐसे बॉक्स में आपको वो लिख के भी मिलेगा, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पॉइंट, उसका मीनिंग जो ये है यहाँ पे लिखे मिलेगा आपको, तो उसका मीनिंग जो है वो मैंने अभी बता दिया। ठीक है मीनिंग, ओके तो कभी अगर पेपर में आए तो आपको ये लिखना पड़ेगा, किस में, इंग्लिश में अच्छे से सेंटेंस में लिखना पड़ेगा बड़ा बड़ा। ठीक है
तो आपको ये अगर अच्छे से समझ गया तो आप इंग्लिश में आराम से लिख सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी वहाँ पे। अब नेक्स्ट टॉपिक सीखते हैं। अब सबसे पहले हम इसके इसे देख लेते हैं, सपोज एंड ये हम आपके बुक में, ये आपके बुक में लिखा है तो इसे समझ लेते हैं। ये अभी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो स्लोप से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा क्या है, सपोज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, मतलब कि हमारी जो अर्थ है, ओके, हमारी जो अर्थ है, आपको तो पता है अर्थ है हमारी थोड़ा फ्लैट है, ये फ्लैट है मतलब पूरा फ्लैट नहीं है, स्फीयर है बट थोड़ा सा बल जैसे, ठीक है। तो ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ पे एक क्या है, अर्थ पे एक आपका सैटेलाइट घूम रहा है, ठीक है। सैटेलाइट की पिक्चर गोल बनाने से अच्छा मैं हाथ से थोड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ या फिर यहाँ पे क्लिप आर्ट में देख लेता हूँ सैटेलाइट की कुछ पिक्चर हो तो। चलो हाथ से ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो एक सैटेलाइट है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे एक सैटेलाइट है ये कुछ अजीब ही दिख रहा है बट समझ लो, ठीक है, सैटेलाइट है, ठीक है। तो ये सैटेलाइट है, तो ये सैटेलाइट क्या करेगा, ऐसे रिवॉल्व करेगा हमारे अर्थ के अराउंड, ओके, हमारे अर्थ के अराउंड ये रिवॉल्व करेगा। तो वो बोल रहे हैं सपोज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग अराउंड द अर्थ, ठीक है, इस मूविंग अराउंड द अर्थ इन एन सर्कुलर ऑर्बिट, मतलब सर्कुलर ऑर्बिट पे, ये देखो ये सर्कुलर ऑर्बिट है, ठीक है, ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट पे ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। एज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द सैटेलाइट अलॉन्ग द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब समझो, ठीक है, इसे अच्छे से समझो, इसे अच्छे से समझो। सबसे पहले इसे मिटा के थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। ठीक है, अब मान लो कि ये क्या कर रहा है, यहाँ से रिवॉल्व कर रहा है, ये ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में आपका रिवॉल्व कर रहा है, ओके। तो यहाँ पे इसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कहाँ पे लगेंगी, ऐसे लगेंगी, है ना, ऐसे लगेंगी, और उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कुछ ऐसे जाएंगे, वो कुछ ऐसे जाएंगे यहाँ पे, ऐसे टेंजेंशियल। जब आप ऐसे कुछ पत्थर से आप कुछ बांधते हो, ठीक है, रस्सी से कुछ बांधते हो और ऐसे गोल 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 नहीं घुमाते, कभी कभी खेलते होंगे बचपन में तो, ठीक है, तो आपका जो ये पत्थर होता है यहाँ पे जो बांधा हुआ होता है वो पत्थर ऐसे डायरेक्शन में जाता है ना, आपका ये घूमता ऐसा है बट जाता है इस डायरेक्शन में ना, तो ये टेंजेंशियल आपकी वेलोसिटी या फिर डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, टेंजेंशियल वेलोसिटी या फिर डिस्प्लेसमेंट होती है। और ये जो फोर्स होता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, सैटेलाइट की बात कर रहे हो, ठीक है, सैटेलाइट की, सैटेलाइट की अगर हम बात करें तो उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स वो कहाँ पे लगता है, ऐसे सेंटर में लगता है, सेंटर की तरफ लगता है, ओके, सेंटर की तरफ लगता है, सेंटर की तरफ लगता है। और जो उसकी वेलोसिटी होती है, उसकी जो वेलोसिटी होती है वो इस डायरेक्शन में रहती है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है वो सेंटर की तरफ ऐसे कुछ रहता है, ठीक है, सेंटर की तरफ। तो इनके बीच का जो ये एंगल होता है फिर से ये क्या होता है, 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री। और अभी हमने यहाँ पे सीखा है कि अगर 90 डिग्री हो, फोर्स क्या हो, 90 डिग्री, और मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है थीटा जो है वो कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो थीटा 90 डिग्री है। तो हमारा जो वर्क होता है, वर्क होता है वो कितना होता है, ज़ीरो, वर्क कितना होता है, ज़ीरो। तो यहाँ पे वही लिखा है कि एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है मूविंग अराउंड, ठीक है, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है मूविंग अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट
एज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द सैटेलाइट, मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सैटेलाइट पर जो एक्ट कर रहा है अलॉन्ग द रेडियस ऑफ अ सर्कल, ये कहाँ पर किस डायरेक्शन में करता है, जो ये सैटेलाइट होती है वो रेडियस जो उसका ऑर्बिट है उसके रेडियस के अलॉन्ग लगता है, क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स सैटेलाइट के रेडियस ऑर्बिट के रेडियस के अराउंड लगता है। ठीक है, अलॉन्ग द रेडियस ऑफ अ सर्कल एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग द टेंजेंट टू द सर्कल, जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो कैसी होती है, टेंजेंट टू द सर्कल। ठीक है, टेंजेंट टू द सर्कल होती है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। देखो ये जो हमारा यहाँ पे आप देख रहे हो, तो ये कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ये कौन सा है, उसकी डिस्प्लेसमेंट है अलॉन्ग टेंजेंट। ठीक है, ये जो सर्कल है ऑर्बिट है वो क्या है, सर्कुलर है, और ये जो ये जो मूवमेंट है वो क्या है, टेंजेंशियल है। टेंजेंशियल मतलब टेंजेंट, अब अगर आपको नहीं पता होगा तो सामने आप सीखोगे, वो टेंजेंट ऐसे रहता है कि जो जो ऐसे एक लाइन से टच करके जाती है लाइन ऑर्बिट के, वो उसे टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, 90 डिग्री बना रहा है, ये देखो 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री बना रहा है, तो जब 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं तब ऑब्वियसली क्या होता है, वर्क ज़ीरो होता है, वही लिखा है यहाँ पे, देखो वही लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ज़ीरो। ओके, सो आई होप आपको ये वाला समझ गया होंगे कंसेप्ट। तो आज के लिए इस बस इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरा टॉपिक सीखेंगे। मैंने कहा था कि नेक्स्ट टॉपिक और दो टॉपिक सिखाऊंगा, बट ये नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो अभी लंबी बन जाएंगी, फिर वीडियो कोई देखता नहीं है लंबी लंबी बोल के, तो इसलिए हम नेक्स्ट वाले वीडियो में नेक्स्ट वाला टॉपिक क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपका जो आज मैं सिखाया वो आपको समझ गया होगा, और पिछली वीडियो के तरह आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ वीडियो देखने के लिए, और ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए या फिर कुछ पूछना है, डाउट वगैरह, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं डाउट आपके क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।